हमारे घर में देखो एक छोटा सा मेहमान आया हुआ है, आज बर्थडे में ये भी आ चुका है। देखिए गाइस कितना बोलो अब काट रहे हैं केक। मैं मारूंगा फूंक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कर जा केक भाई जा, पूरा केक लग गया रे भाई। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक छोटा सा ब्लॉग। ब्लॉग बहुत खास है, ब्लॉग को लास्ट तक देखना। गाइस आज का दिन बहुत स्पेशल है, क्या बहुत खास दिन है। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या बहुत खास दिन है। तो गाइस आज मेरे पति देव का जन्मदिन है, इसलिए आज का तो क्या नाचो मैं? दिन बहुत खास है और वो अभी है नहीं यहाँ पे घर पे, अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं, मार्केट गए हुए हैं। नाश्ता एक तो बना लेते हैं, खाना फिर बाद में बनाएंगे। मेरा इधर बन रहा है हलवा और उनको भूख लगने लग गई पहले बर्थडे वही को के लिए सैंडविच बना रही हूँ। पहले बीच में सैंडविच बन रहा है, ये सैंडविच बोलो। अभी तो हम नाश्ता कर रहे हैं, पार्टी वार्टी शाम को करेंगे। लो सॉस ले लो सॉस। तो गाइस अब हो चुकी है शाम और शाम के 7 बज चुके हैं और अब मैं बनाऊंगी खाना। सुबह तो मैंने हलवा बनाया था वो खा लिया, मीठा तो कुछ खाएंगे नहीं है तो कुछ और बनाऊंगी। देखते हैं क्या बनाती हूँ, मैं पूछती हूँ क्या खाएंगे वो, उनका बर्थडे हो उनसे, क्योंकि आज तो उनकी पसंद की चीज़ बनेगी ना, इसलिए चलो। गाइस शाम हो चुकी है और दीपक लगा दिया है इधर, ये देखो हमारे भगवानों के दीपक लग चुका है। क्या बोला तूने? हमारे क्या सबके लगता है शाम को तो। तो गाइस मिलिए इनसे जिनका बर्थडे है, वो यहाँ बैठे हैं चाय पी के बैठे हैं इधर, और चाय पीने का इंतजार कर रहे हैं। पहले थोड़ी देर पहले पी थी क्योंकि चाय के दास है। और कुछ दो चाय मत दो, पर चाय तो दे दो। तो आइए मिलिए इनसे, इनको सब बर्थडे भी कर दो। कैसा हो गया आप? जो खिलाओगे वही खा लेंगे। गोलवाद कड़ा कर रहा है चाय के लिए, चाय किस किस को पीनी है? चाय मैं भी पीऊंगा चाय। अब बनाएंगे चाय, आपने तेरे को पिलाएंगे। बनाऊंगी तो मैं ना। बना लीजिए तो पीजो मत बस। चलो खाने में क्या खाओगे ये तो बताओ। खाना में भाई खाओगे तो वही खा लेंगे हम तो। आप बताओ मन पड़े जय बना दी। तो आपको आज तो आपका दिन है ना, आप बता दो आपकी पसंद। मारो काहे को दिन आज? आज आपको बर्थडे है ना, बर्थडे है जय दिन मारो भाई। तो बस बता दो ना आपको क्या खाना है। जो खुआ देगा वही खा लेगा भाई हम तो। सुबह तो मैंने बना के खा दिया आपको। अब सुबह खुआ दियो तब बना लीजिए, मीठा खुआ दो, मीठा खुआ दीजिए भाई, चपरो खुआ, चपरो खुआ दीजिए। बताओ बताओ किसकी सब्जी का होगा, बना लो। पनीर बना लो, पनीर सब्जी बना लो,
बाजरे की बना दूंगी मैं, पर अभी बाजरे का चून नहीं है। मक्का भी बनाया बोले? मक्का तो है पर मक्का का भी आटा पिसा हुआ नहीं है, बाजरा भी है पर उसका भी आटा पिसा हुआ नहीं। गेहूं की तो रोज ही करते, आज कुछ स्पेशल मैदा की बना देते हूँ, तंदूर की। आपको पसंद है ना? पसंद तो मुझे ना काहे काहे जे जे वो सब नहीं पता सब तो नहीं पर फिर भी चलो मैदा की बना देती हूँ। बना ले, अब तार मन पड़ जाए, कुआओ जाए, खानी पड़ोगे। तो गाइस इनको पनीर की सब्जी खानी है, तो पनीर लाते हैं। ये लाएंगे, लाते हैं क्या, जाके पनीर ले आओ, पनीर की सब्जी बना लेंगे। तो ये पनीर लेने जाएंगे अभी, जब तक मैं कुछ काट लेती हूँ सब्जी वब्जी पनीर की, और आटा लगा लेती हूँ मैदा का, क्योंकि उसको पहले ही लगाना पड़ता है। मैदा का आटा लगा लेती हूँ मैं। गाइस अब मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी। पनीर लिया है 200 की मसाले डाल दिए इसमें, और इसे सब डाल देती हूँ। ग्रेवी बनाई मैंने प्याज की, हमारे मोनो आज बना रही भाई पनीर की सब्जी। जो भाई ने भी खानी हो ना वो आ सके, एक नंबर सब्जी बनाओ जो पनीर की। देखा आज किसी बना, देखा एक नंबर बनाया, किसी बना नंबर बनेगी आज। अब तो बने बाद में खाओगा जब ही पता पड़ेगी। काय डाल दिया था नहीं, मैं ग्रेवी बनाई थी ना, ग्रेवी बनाई भाई काय की बनाई है? प्याज लहसुन, प्याज लहसुन हरी हरी दिख रही है, हरी मिर्ची से हरी हो गई ना। और जब मैंने आटा लगा के रख दिया है मैदा का, सब्जी बनने के बाद गर्म कर देती हूँ, क्योंकि आटे को पहले लगा रखना पड़ता है इसको। देख लो भैया, आज मैदा की सब्जी, मैदा की रोटी और कुआओगी सब्जी तो कहीं सब्जी तो पनीर की ही कुआओगी, तंदूर की है वो, तंदूर की रोटी कुआओगी भाई आज। मार्केट की तो आवा मजा ही आता है आज मेरे, आज की काई की देखा कैसे। कितना टाइम लागोगे इसमें? अभी तो मैंने डाला ही है, इसमें टाइम नहीं लगेगा क्या? तो मोने जोर से भूख लग रही है, भूख लग रही है तो भूख लग रही है, मैं कुछ और खा लूं। आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा लगाओ भाई आज ही सब्जी में बना पाऊंगा। सब्जी बोले तो एक घंटा में बना पाना, सब्जी सब्जी बननी चाहिए। देखो गाइस हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आ गया है, देखो देखो हमारे घर पे। देखो एक छोटा सा मेहमान आया हुआ है, आज बर्थडे में ये भी आ चुका है। देखिए गाइस कितना शानदार है, देखो देखो कैसे बैठा है। केक खाओगे गाइस आज ही अभी? अच्छा देखो कितना क्यूट है, सब्जी और रोटी भी मैंने बना ली है, बन रही है मतलब ये, और इधर खाने लग गए। कैसी लगी सब्जी बताना, एक नंबर। हाँ बताओ आपको कैसी लगी सब्जी। ये है तंदूरी रोटी और पनीर की सब्जी, रायता है, सलाद।
ये खा रहे हैं खाना और एक रोटी और बची है, मैं बना लेती हूँ फिर मैं भी खाऊंगी खाना। गाइस सब हमने खाना वाना तो खा लिया है और फिर हो गए अब और केक काटेंगे, तो आ जाओ आप लोग भी केक काटते हैं। गाइस बोलो। गाइस अब काट रहे हैं केक, तो काटो केक। तीनों मैं मारूंगा फूंक। Happy birthday to you. Happy birthday to you. कर जा केक भाई साहब खरोच नहीं आ रही केक के लग जा वो अपना बच्चे नहीं मुझे खिलाओगे बर्थडे आपका है मैं आपको खिलाती हूँ भाई। ये खाओगे इस पे नाम भी लिखा हुआ है, ये हमारा मेरा भी नाम है इसमें देख लो। आधा नाम मेरा है आधा इनका है। तो कम नहीं खाजू तो ज्यादा मत खाजू क्यों ये अगर चरसों खाजू देख ज्यादा खा जाए देख। आ जा भाई आप भी आ जाओ इधर आप भी आ जाओ आप भी केक खाओ। गए जा जाओ केक खा लो बगड़ो ला भाई। ये हमारा गोल है जाओ केक खा लो देख आप कोई ज्यादा बड़ो तो बर्थडे मनाया कौन है आप तो कोई नॉर्मल सब नॉर्मल बस वैसे साधारण किसी को कुछ करने के लिए नहीं तो तो उसे केक में काटता पड़े माने एक माने कि केक तो काटो बुजी बुजी सो काट लिया क्या हो गया केक काट दो केक तो सभी काटते हैं। अब आप दसवां हो आप कितने साल के हो चुके हो। तो गाइस इनसे पूछे कितने साल के हो गए गाइस मैं पुणे को नहीं आल तक देख। अब ये मोमबत्ती तो दो ही ले रहे तो शायद हो सके दो साल को ही हो मोमबत्ती तो दो है इसका मतलब दो साल के थोड़ी हो मोमबत्ती के हिसाब से कुने लगा हुए कितना साल हो गए। तो गए ये हो गए 30 साल के 30 साल के हो गए वो 30 साल का गिफ्ट गिफ्ट कहाँ है तुम गिफ्ट गिफ्ट तो देख किसी ने दिया ही नहीं तुमको मैंने दे दिया ना इनको गिफ्ट ये शर्ट है ना मैं लाइटिंग की ये पहन रखी है जो कैसी लगी गाइस सब बताना कमेंट में शर्ट कैसी लगी। गोलू केक लेके आए हम दोनों ने लिया है आपको बर्थडे ना आप थोड़े लाओगे कमेंट में बताना ये शर्ट कैसी लगी और केक केक भी कैसा लगा केक तो खा के पता चलेगा ना गाइस आ जाओ केक खा लियो ये गोलू लेके आया मत कीजिए भाई के किया वो नाम भी ना लिया के भाई के केक खा वो ये गोलू की तरफ से केक है और हमारे गोलू भाई साहब ले रहा है केक कैसे लगे तेरा शक्ल में बढ़िया लगे जो तुम को मुंह तो थोड़ा बढ़िया ही लगे जो अगर आपको भी अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना नाम लगा है क्योंकि इसमें मेरा भी नाम आ रहा है नाम तो ये मैं तुम्हारे ही तुम्हारे पास आधा है ना आपका आधा मेरा है नाम ही आधा है वो तो आधा नाम है तो आधा मेरा है मैं गया जो प्यार से ये गए मंजी के वजह से मंजी लिखवा ले रहे हैं मंजी मेरा नाम इसमें आधा मनीषा नहीं तो पूरा नहीं हूँ वो तो गाइस मन गया बर्थडे और केक भी काट लिया खाना भी खा लिया ज्यादा बड़ा तो प्रोग्राम नहीं था बस हम तीन ही घर के घर वाले हैं हमारी फैमिली में भी तो यहाँ पे तुम तीनों ने बस इतना सा छोटा सा बर्थडे मनाया है। गाइस को भी खिला दो केक सब केक खा लो और गाइस देखो ये काय कर रहा है देखो पूरा ही केक लग गया गाइस देखो किसी का रह गया केक ने फिल्म ले रहे हैं हमारा भी बर्थडे हम बर्थडे को इसको ले थोड़ी में केक भी ना खा सकते गाइस पूरा केक लग गया रे भाई अरे मोबाइल छोड़ दी थोड़ा सा आपने तो खा लिया ना केक काटा था भी बहुत बहुत था अब हम खा लेते हैं गाइस सब हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए इनके लिए भी आधा आधा
गाइस ये छोटी सी पार्टी थी हमारी जो हो गई, कर ली पार्टी और